अब साबी ड्राइव करेगी, ठीक है? साबी हेलो करो, चलो आओ। माता जी नहीं हो, बाबा के दर्शन। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारे साथ एक पीछे छोटी सी राइडर, उसका नाम है साबी। आज हम कहाँ रुकेंगे? आज हम रुकेंगे या तो कैंची धाम में रुकेंगे। होटल बुक कर रखा है क्या? साबी ने मुझे परेशान कर दिया है, बोल रही होटल बुक कर रखा है। होटल बुक कर रखा है साबी, आपने किया था होटल बुक? सच में? सच में। कब? ऑनलाइन किया था? आप ब्लॉग शूट कर रहे हो? यस। साबी आप कितने साल के हो? सेवन इयर्स ओल्ड है साबी, जो कि आज हमारे साथ सबसे छोटी राइडर है। साबी क्या आप तैयार हो? यस। आज है 6 अक्टूबर 2023। मौसम अभी जो अपना है, पहाड़ों में ना ज़्यादा गर्मी है अभी ना ज़्यादा ठंड है। पकड़ लो साबी टाइट करके। हाँ, वेरी गुड। और साबी को हमने अपने एक चुन्नी की मदद से बांध लिया है, जिससे कि साबी अगर नींद के झोंके आते हैं साबी को तो साबी लुढ़केगी नहीं, है ना साबी? अभी तो मेरे को सो जाऊं। नहीं, आपको सोना वर्जित है गाड़ी में। वर्जित मतलब अलाउ नहीं है आपको। सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितने छोटे से बच्चे हो और राइड पे जा रहे हो। पहली राइडर है हमारे साथ इतनी छोटी। फ्रेंड्स आप है ना, इनकी वीडियो को कभी भी लाइक मत करना, कभी भी। क्यों? ये कैंची बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा। क्यों? और इनके लिए कोई लाइक ही मत भेजना। और गाइस पहले हमारा है ना नैनीताल जाने का प्लान था, पर वो चेंज हो गया। अभी हम जा रहे हैं कैंची धाम, फिर उसके बाद हम जाएंगे, पता नहीं उसका नाम नहीं पता, और मेरे चाचू को ही पता है। और फिर हमें ना कल जाएंगे नैनीताल। गाइस गाइस, और हमारा जू भी जाने का प्लान है। अच्छा, जू भी जाने का प्लान है? हाँ। गाइस आपको एक बात बताऊं? बताइए। चाचू है ना, इतना सामान पैक कर रखा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे सामान पैक कर रखा है। और मम्मा ने तो मुसीबत और खड़ी कर दी, एक तो शूज पहना दी इतनी गर्मी में, और वो चुन्नी और बांध दी हमारे ऊपर। चुन्नी बांध दिया, हमें बांध दिया दोनों को, है ना? अब हम ना पीछे हो सकते ना आगे हो सकते, ना हिल डुल सकते, हमें बांध दिया है इन्होंने। है ना, तो जो इतना सामान पैक करते अभी मंदिर गए थे ना, 2 घंटे हो गए आने में, और तब बाइक लेने गए बस 1 मिनट हुई थी, वो तो ठीक है, और क्या वो सामान रखने में तो और 1 घंटा और लग गया। तो गाइस अभी बज रहे हैं, तो कितने बज रहे हैं अभी? 11:10 हो रहे हैं। तो गाइस अभी 11:10 हो रहे हैं, और हम अभी से ही जा रहे हैं कैंची धाम। अभी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन से बाबा मिलते हैं और हम कैसे कैसे दर्शन करते हैं। वहाँ पे मिलेंगे नीम करौली बाबा, और देखते हैं और कोई भी भगवान जी होंगे वहाँ पे, हनुमान जी की भक्ति करते हैं। अच्छा हाँ। और गाइस वहाँ का एरिया अभी हमने देखा नहीं है, तो आज हम देखेंगे, पता नहीं हम कितने बजे तक पहुँचेंगे। आइए चाचू से पूछते हैं, चाचू हम कितने बजे तक पहुँचेंगे? हम वहाँ पे पहुँचेंगे 12 बजे तक। तो गाइस हम वहाँ पे पहुँचेंगे 12 बजे तक, और हम 12 बजे तक पहुँचेंगे, और आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। बिल्कुल, हम लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे, है ना? अरे आप क्यों बोल रहे हैं? तो अभी हम ऑडियंस बने आपके, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, हम ड्राइव कर रहे हैं। व्लॉगिंग मतलब जो आप जहाँ पे जा रहे हो वो सारा शूट करके लोगों को बताना, उनको एक्सप्लेन करना और उनको मदद करना, जब वो आए उस जगह पे तो उनको मदद मिल सके। 18 किलोमीटर बाकी है यहाँ से नैनीताल, जोली कोट में हम अभी एंटर कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं संदीप और संदीप की वाइफ यानी मीनू जी, जो कि गुड़गांव से आज ही आए हैं, और मेरी छोटी बहन और मैं, और ये मेरी चाचू। यस भाई, ये है मेरे मम्मी पापा, ये
टंकी बैठी है। मेरी बहन बोल रही है बाय बाय, तो हम भी करते थे बाय। चाचू भगाओ आगे। चाचू भगाए कैसे? आगे से गाड़ियां आ रही हैं। कि ना पहाड़ों पे ओवरटेक करना अच्छी बात नहीं है। पहाड़ों पे ओवरटेक करने का मतलब है खतरा मोल लेना। चाचू। यस। चाचू और फास्ट जितनी फास्ट हो सकते हैं। चाचू ना भगाओ। तू आप तो बहुत स्लो चला रहे हो। तू जाके भगा लो ना। नहीं बेटू। अभी हम लोग हैं अल्मोड़ा वाले रूट पर और इस फ्लाईओवर के पास रुककर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर निकल पड़ते हैं अपने इस जर्नी में। चलो देखो कितने बड़े हनुमान जी हैं। जय बजरंगबली। बवाली, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कैंची धाम मंदिर। ये आपको सामने दिखाई दे रही है, ये सारी पार्किंग है कैंची धाम, जो कि अब काफी बड़ी कर दी है। ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे। ये देखो बाबा जी का मंदिर सामने। अब हम देखते हैं अपनी पार्किंग की जगह, देखते हैं। यहाँ हमेशा मेला ही लगा रहता है। ये रहा द्वार। अब दर्शनों के बाद सबको जोरों की भूख लगती है, तो हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट तलाश करते हैं और कुछ ज़बरदस्त ऑर्डर करके भोजन का आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। से कैंची धाम से हम प्रस्थान करते हैं। लंच वगैरह हो गया हमारा, पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं। खाना मस्त था यहाँ का और व्यू तो और भी अच्छा था। चलो सभी लेट्स गो। और थोड़ी देर आराम करेंगे, बहुत ज्यादा थक गए हैं, मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। नींद बहुत ज्यादा आ रही है। मंदिर की बात बताऊं, मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था और फोन भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रह गए। आई एम सो सॉरी। सावी पे हम यहाँ से नजर रख रहे हैं, कैमरा और मैं दोनों। सावी ने अगर थोड़ी सी भी झपकी ली तो सावी को इसे फेंक दिया जाएगा। हम एंटर कर चुके हैं भवाली की मार्केट में। इसके बाद आएगा भीमताल। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, ये हमारा दूसरा दिन है आज। भीमताल पे हमने रात को स्टे किया। ये होटल रूम के ऊपर का व्यू है, छत का सारा। और इसके बाद आप देखना यहाँ से ऊपर का परिंदे का व्यू कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। वो रही सामने लेक, बिल्कुल लेक के जस्ट सामने ही है। और लेक व्यू इस होटल का नाम है। सामने की लेक आपको ऊपर छत से ही दिखाई दे जाती है। चलिए आप फिर एंजॉय करिए परिंदे का व्यू।
ना चाहे तो खेलते नहीं है ऐसे।